राजस्थान की तपती गर्मी ने क्या आपको भी परेशान कर रखा है? आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मौसम में हो रहे बदलाव के बारे में और जानेंगे कि कैसे गर्मी के तीखे तेवर जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम क्या करवट ले सकता है। राजस्थान में इन दिनों शुष्क मौसम के साथ गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। पिछले दो दिनों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है, जिससे हवा में तपिश बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है, जिससे लू चलने की आशंका है। सोमवार को राजस्थान के 12 शहरों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर और कोटा में 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर और जालोर में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी का दौर शुरू हो गया है, जिससे पंखों और कूलर से भी राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के लिए 9 मई से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर, कोटा और बारा में हीट वेव का असर रहेगा। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार अगले 72 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं 7 मई को जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 8 से 10 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और लू चलने की संभावना है। लोकल 18 सीकर के लिए राहुल मनोहर की रिपोर्ट।